जिस घड़ी का आप सबों को इंतजार था वो घड़ी आ चुका है जी हाँ, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है जी हाँ। जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वही क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा जी हाँ, सेम क्वेश्चन जाएगा आपको, सेम सेट को नहीं पूछा जाएगा। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आपका नहीं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, नहीं यहाँ पे द आ जाएगा, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बता दे चलेगा जी हाँ। अब तक आप लोगों ने सही आंसर दिया है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा, ही डैश वीडियो गेम्स। जी हाँ, चूज द बेस्ट वर्क फॉर्म, यहाँ पे कौन सा वर्क फॉर्म आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नहीं ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, चूज द बेस्ट वर्क फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको वर्क फॉर्म चूज करना है कौन सा बेस्ट है, तो 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग इसी तरह जो अपना करेक्ट आंसर है लास्ट तक क्लास के दीजिएगा जी हाँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, लुक डैश दिस पेंटिंग, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लुक एट दिस पेंटिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, द मुगल रूल्ड ओवर इंडिया हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको चूज करने हैं, तो 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आई हैव होमवर्क टू डू, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। जी हाँ, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा, तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, We saw him dash choose the best verb form। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, वी सॉ हिम लेस्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलेगा, अब तक तो सारे बच्चे लगभग आंसर सही दे रहे हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे कितने बच्चे 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताते हैं मुझे। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, आई एम रियली सॉरी डैश यू, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। जी हाँ, यानी वर्ब की कौन सी यानी फॉर्म होगी यहाँ पे, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, अक्रॉस द डेजर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग, हु गेव यू परमिशन टू इंटर, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यानी कौन सा पैसिव वॉइस यहाँ पे बेस्ट है, तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, बाई होम वर यू गिवन परमिशन टू इंटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, चलिए राइट आंसर बताइएगा आप लोग, ही हैज बीन डिसीव्ड बाय हिज ओन फ्रेंड, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस चूज करने है कौन सा ऑप्शन होगा, तो 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, हिज ओन फ्रेंड हैज डिसीव्ड हिम, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर आपको आंसर पता नहीं होगा तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा जी हाँ, क्योंकि आपको मॉडल सेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप मॉडल सेट को कवर नहीं करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते जी हाँ। दे डैश देयर न्यू कार 2 वीक्स अगो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, दे बाउट देयर न्यू कार 2 वीक्स अगो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, तो 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई मेट यू, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा होगा, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जी हाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16। क्या बोला जा रहा है 16 में, डैश यू लेंड मी योर बुक, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विल यू लेंड मी योर बुक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 में, आई डैश ए लेटर टू हर यस्टरडे, चूज द बेस्ट वर्क फॉर्म, कौन सा वर्क फॉर्म आएगा यहाँ पे, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आई रोट ए लेटर टू हर यस्टरडे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में सॉक्रेट्स सेड वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, चूज द बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सॉक्रेट्स सेड दैट वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में, चलिए तो आप लोग आंसर बताना मत भूलेगा, आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, ही सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए 20 में, यू विल गेट यूज्ड टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, जी हाँ यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा मीनिंगफुल, तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, यू विल गेट यूज टू टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, आई यूज डैश टू द सिनेमा अलॉट, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, तो कौन सा मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, तो 21 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, आई यूज टू गो टू द सिनेमा अलॉट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, हैव यू हर्ड हर डैश अ जोक, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, जी हाँ यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेशन मीनिंगफुल एक्सप्रेशन चूज करना है, तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, हैव यू हर्ड हर टू टेलिंग अ जोक। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में डैश हीज सरप्राइज द डोर वॉज ओपन, चूज द बेस्ट यानी चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, जी हाँ कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा यहाँ पे, तो 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, विद हिज सरप्राइज द डोर वॉज ओपन हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, 24 में द कैट जंप्ड डैश द चेयर, जी हाँ यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा, तो 24 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, द कैट जंप्ड ऑन टू द चेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में इट इज ए पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, जी हाँ यहाँ पे भी कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, इट इज ए पेंटिंग बाई ए फेमस पेंटर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए, 26 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको चूज करना है, तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है चूज करने हैं आपको, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, देर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी आपको सेंटेंस को चूज करने है कौन सा करेक्ट है, तो 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, ही केम हियर ऑन फुट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या है 29 में आई एम टायर्ड ऑफ डैश, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जाए, 30 में आई डोंट फील लाइक डैश इट, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, आई डोंट फील लाइक डूइंग, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में सी लाइक्ड डैश मेनी क्वेश्चन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूज द बेस्ट ऑप्शन, जी हाँ तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, सी लाइक्ड टू आस्क मेनी क्वेश्चंस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में आई हैड लाइक डैश टू मूवी दिस आफ्टरनून, चूज द बेस्ट ऑप्शन, जी हाँ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा जी हाँ, आई हैड लाइक टू गो टू द मूवी दिस आफ्टरनून। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जाए, 33 में इट्स थर्सडे टूडे टुमोरो इट डैश फ्राइडे, चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, टुमोरो इट विल बी फ्राइडे। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताना मत भूलेगा, आपको सारे क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर बताना है। ए पर्सन हु रियरली स्पीक्स द ट्रूथ इज ए डैश,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे आंसर करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, लायर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35, क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में, आई डोंट थिंक राजेश इज डैश टू लिफ्ट दिस बॉक्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन, जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे जो वर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, LIVELISOOD, जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग को देख लीजिएगा और आप लोग अच्छे से आंसर एग्जाम में टिक कीजिएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, जी हाँ, तो यहाँ भी आपको करेक्ट स्पेल बताने हैं किसका, यानी फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, साइकोलॉजिकल का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला जा रहा है 38 में, तो राइट आंसर बताइए आप लोग, ड्यू ही डैश ए ब्लू स्कर्ट टूडे, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, जी हाँ, जूही इज वेयरिंग ए ब्लू स्कर्ट टुडे। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोला जा रहा है, द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, नहीं बेस्ट है, 39 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, द फोन इज रिंगिंग कैन यू आंसर इट प्लीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, क्या 40 में, आई एम डैश प्रिपेयर्ड, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्या है 41 में, तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जी हाँ, तो कौन सा पे इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट है, तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्या है 42 में, द सिनोनिम ऑफ एनिमल इज, जी हाँ, जो एनिमल है उसका सिनोनिम क्या होगा, जी हाँ, यानी सिनोनिम उसको बोलते हैं, यानी उसके सेम, यानी जो वर्ड होगा उसको क्या होगा, तो एनिमल का यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ईयरली हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्या बोला जा रहा है, यू नीड टू बाय अ डैश डिक्शनरी, चूज द करेक्ट आर्टिकल, जी हाँ, तो कौन सा आर्टिकल होगा, तो 43 का राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यू नीड टू बाय अ डिक्शनरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44, क्या बोला जा रहा है 44 में, What are you dash about? Choose the best option. कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, What are you talking about? चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्या है 45 में, विनीता डैश नाउ द आंसर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यानी बेस्ट होगा, तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी यानी विनीता डजेंट नो द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46, क्या बोला जा रहा है 46 में, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज ए, जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यानी मार्टायर होगा या पैट्रियट होगा या मर्सिनरी होगा या रॉबर होगा, जी हाँ, तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, मार्टायर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्या है क्वेश्चन 47 में, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द मैन हु केम डैश वुड नॉट गेट सीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, द मैन हु केम लास्ट वुड नॉट गेट सीट। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोला जाए 48 में, डैश ही वेंट फॉर ए वॉक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 48 का आपका एडिशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, एज यूजुअल ही वेंट फॉर ए वॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेंगे हम लोग, क्या 49 में, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम, चूज द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे करेक्ट है, तो 49 का एडिशन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50, क्या बोला जाए 50 में, चूज द ऑड वन, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल अलग थलग है, यानी ऑड है, तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, कैटल हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे आपको चूज करने हैं, तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में, द पिक्चर डैश ऑन द वॉल, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म, जी हाँ, कौन सा अभी वर्ब फॉर्म बेस्ट है, यहाँ पे 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53, क्या बोला जा रहा है 53 में, आई डैश टू ड्राइव दैट कार, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पे, तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, आई नीड टू ड्राइव दैट कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54, क्या बोला जा रहा है, डैश इज बैड फॉर हेल्थ, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा जी, यानी स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है। 55 में रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, तो कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, यानी रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है 56 में। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, सी मेट हर मदर शी वॉज ग्लैड। यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, हानी सी वॉज ग्लेड टू मीट हर मदर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है 57 में। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, द फ्लेट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न्ड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, हानी द फ्लेट हैविंग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न्ड। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 में ही वॉज ब्राउट डैश बाई हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन बताने कौन सा होगा। तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, यानी ही वॉज ब्राउट अप बाई हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है 59 में, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन चूज करने हैं। तो 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, यानी ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जाएगा 60 में, दे वर वॉचिंग मी चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस होगा। तो 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, यानी आई वॉज बींग वॉच्ड हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 में ही इज डैश ऑफ मी चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, यानी ही इज जेलस ऑफ मी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जाएगा 62 में, कैन द डीव हियर चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, यानी क्या हो जाएगा, द डीफ कांट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जाएगा 63 में, वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर एनिमीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जी हाँ, यानी जो ये वर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे एनिमीज का एंटोनिम यानी उसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जाएगा 64 में। तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या 64 में, यू डैश गिव अप स्मोकिंग चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा यहाँ पे। तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, यानी यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है 65 में। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली चूज द बेस्ट वर्ड फॉर्म, तो कौन सा वर्ड फॉर्म यहाँ पे बेस्ट है। तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, यानी आई एडवाइज यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, साइबी वुड एग्जामाइन द डैश एज सुन एज ही गॉट अप। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे बुक पोर्शन की ओर आ चुके हैं, तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, यानी साइबी वुड एग्जामाइन गॉड्स एज सुन एज ही गेट अप। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है 67 में। तो राइटर्स आप लोग बताइए, डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। जी हाँ, यानी कौन अन्याय और उत्पीड़न से तप रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 67 का, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, यानी मिसिसिपी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाएगा 68 में, स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन। जी हाँ, ये जो कलर है सी ओ एल ओ आर, इसका जो स्पेल है वो कौन से इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, यानी अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे आपको सी ओ एल ओ यू आर दिया जाएगा तो ये यानी ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जाएगा 69 में, हु रोट एंडीमियन। जी हाँ, जो एंडीमियन है उसको किसने लिखा है। तो 69 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा जी, यानी जॉन कीट्स हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन 70 में, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा, थियोलॉजी होगा, ड्रामा होगा, या फिलोसफी होगा, या नॉवेल्स होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी थियोलॉजी। थियोलॉजी किसको बोलते हैं, यानी धर्मशास्त्र को बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है 71 में, हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका। जी हाँ, यानी नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल्ड किया था। तो यहाँ पे 71 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कीटन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जाए 72 में, हु रोट हकलबेरी फिन। जी हाँ, तो किसने हकलबेरी फिन को लिखा है। तो 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, यानी मार्क ट्वेन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, डैश वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जी, यानी आवर एंसेस्टर्स हो जाएगा, यानी हमारे पूर्वज। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है 74 में, इंडिया रिमेंस इमोवेबल
एंड दैट इज हर इंडिपेंडेंस ग्लोरी या ऑनेस्टी या पावर। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जी हाँ, ग्लोरी यानी महिमा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। 75 में हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। जी हाँ, किसने मैकेविटी को यानी लेजी यानी सुस्त और आधा सोया हुआ पाया था। तो 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, टी एस एलियट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। 76 में वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, जी हाँ, एजुकेशन, कुकिंग, हैविंग बाथ या प्रेगनेंसी। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ अवस्था के दौरान। चलिए आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। 77 में तो आप लोग राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हु वांटेड टू किल द स्नेक, जी हाँ, तो सांप को कौन मारना चाहता था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, द पोएट। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, जी हाँ, तो किसने लिखा ए पैसेज टू इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, ई एम फॉरस्टर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला जा रहा है। द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेंस, जी हाँ, तो बेंजी को किसने एडवाइस किया था यानी मुर्गी रखने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, डॉक्टर हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 में आई स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, जी हाँ, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, फायर हाइम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 में तो राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। चलिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 81 में, द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से लिया गया है। तो 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन 82 में तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत इज माय होम इज रिटन बाय, तो भारत इज माय होम किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने जाकिर हुसैन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है। डोरोथी एल सियर्स इज ए दिखा, जो डोरोथी एल सियर्स इज ए एन क्या हो जाएगा, यानी क्या थे वो, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 83 में। डोरोथी एल सियर्स इज ए एन, जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, नोवेलिस्ट या सिंगर या एसेइस्ट या एक्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एसेइस्ट हो जाएगा, यानी क्या थे वो, एक निबंधकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जाए। 84 में तो आप लोग राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिगा नाओया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, जी हाँ, तो ये जापानीज स्टोरी राइटर थे या चाइनीज या कोरियन या मलेशियन। यहाँ पे राइटर से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, जापानीज हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जाए। 85 में तो राइटर से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेंजीज पेरेंट हैड रेंटेड दियर लैंड टू ए मैन नेम, जी हाँ, यानी जो बेंजी के पेरेंट्स है उन्होंने जो लैंड था वो रेंट लिया था वो किस नाम के आदमी से लिया था, यानी सैंडर्स या क्रिस या अलेक्जेंडर या माइकल। यहाँ पे 85 को आप लोग ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ, सैंडर्स नाम था किसका, जिससे रेंट लिया था जमीन को। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है। 86 में तो राइटर से बताइए आप लोग, पल असबक टॉट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, जी हाँ, जो पल असबक थे उन्होंने कहाँ पे यानी पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे 86 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चाइनीज यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है। एंटन चेकोव बिगेन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग, जी हाँ, जो एंटन चेकोव थे उन्होंने जो अपना करियर था वो किस यानी किस चीज़ से शुरू किया था, किस चीज़ के लिखने से शुरू किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कॉमिक स्केचेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है। 88 में द लाइन ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, जी हाँ, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, से ये लाइन लिया गया है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई, जी हाँ, यानी जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये किसके कविता का संग्रह है। यहाँ पे आपका 89 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, वॉल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 में तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, जी हाँ, ये जो लाइन है ये कहाँ से है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है। 91 में तो आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 91 का लैमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई, जी हाँ, तो लैमिया और हाइपेरियन है किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जॉन कीट्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है। मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ, जी हाँ, चार्म, डिसीट,
ब्यूटी या ऑनेस्टी, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फुल ऑफ डिसिट हो जाएगा जी। यानी डिसिट का मतलब क्या होता है, यानी छल। चलिए आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है। 93 में स्नेक्स वर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पे कहाँ स्नेक्स दिखा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी अमंग बुक्स हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है। 94 में तो आप लोग राइट आंसर जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन 94 का करेक्ट होगा। द लाइन हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, दिखाए जो लाइन है हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कहाँ से है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एन एपिटाफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है। 95 में द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, जी हाँ जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लैंड में, यहाँ पे आपका ऑप्शन अभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 1476 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जाए। 96 में तो आप लोग राइटर से बताइए अनटचेबल एंड कुली आर रिटन बाय, जी हाँ जो अनटचेबल है और जो कुली है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने एम आर आनंद यानी मुल्कराज आनंद हो जाएगा राइटर सर आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है। 97 में हैमलेट एंड ओथेलो आर रिटन बाय, जो हैमलेट और ओथेलो है किसके राइटर कौन है, यहाँ पे राइटर साहब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जा रहा है। 98 में द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश, जी हाँ जो 15वीं शताब्दी जो अभी जो इंग्लिश चल रही है उसको हम लोग किस इंग्लिश के नाम से जानते हैं, यहाँ पे राइटर साहब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा। जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 99 में चलिए तो राइटर साहब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, जी हाँ यानी जिससे वर्ड से आता है, यानी कौन सी वर्ड से लिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ ग्रीक वर्ड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 जी हाँ जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है। वर्ड्सवर्थ वाज ए, जी हाँ जो वर्ड्सवर्थ थे वो क्या थे एक, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिहानी क्या थे वो एक पोएट थे। जी हाँ यहाँ तो इंग्लिश की 1000 क्वेश्चन पढ़ करके शानदार तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले गूगल में चलेंगे, ठीक है। गूगल में आप लोगों को क्या टाइप करना है, bbphelp.com टाइप करना है, उसके बाद क्या करना सर्च कर देना है, ठीक है। 1000 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा bbphelp लिखने के बाद गूगल में, उसके नीचे करते जाएंगे, नीचे करने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश है ना, यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट पर क्या करेंगे आप लोगों को क्या करना है क्लिक देना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने 1000 क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। देखिए 1000 क्वेश्चन मतलब यहां पर देखिए आप लोगों को 10 मॉडल पेपर मिल रहा है इंग्लिश का, इसका मतलब कि 100 क्वेश्चन करके एक मॉडल पेपर में है। तो आप लोग क्या करना है, पढ़ना है, तो यहां से आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, 100 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका आंसर आप लोग को यानी दिया हुआ है। जब आप लोग जब सारा पढ़ लेंगे, यानी 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अब मान लीजिए दूसरा मॉडल पेपर पढ़ना है, तो फिर यहां से आप लोग चाहे बैक होकर के पढ़ेंगे, चाहे बैक होकर के फिर यहीं आ जाएंगे, फिर दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, तीसरा मॉडल, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग चलिए इसी तरीके से फटाफट से तैयारी कर लीजिए।